के लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। जैसे ह्यूमन बॉडी को या किसी भी एनिमल के अंदर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन से आ रही होती है, बिल्कुल इसी तरह से सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस से आ रही है। और इसके अलावा जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस एक बेसिक डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसकी डिस्कवरी भी हम देखें तो एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उसने इसको डिस्कवर किया। उससे पहले तक यह समझा जाता था कि सेल्स जो है वो एम्प्टी स्पेसिस हैं। जैसा कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल को डिस्कवर किया था तो उसको उसमें कोई भी और पार्ट नजर नहीं आया, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई रिसर्च के अंदर उसी तरह के सेल में बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कवर किया गया। तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर डिस्कवर किया। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, जैसा कि हम इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो पोजिशन है वो सेंट्रल है, यानी न्यूक्लियस सेंटर में होगा, और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल होता है, एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वैक्यूल। तो ये बात याद रखनी है कि इसकी पोजीशन जो है वो सेल में कहां पर होती है। व्हाट आर द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस? दे वेरीड इन द सेल्स। ज्यादातर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लियर। जैसा कि आप जनरलाइज सेल को देखते हैं, हमने स्टडी भी किया उसको कि न्यूक्लियस एक है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बाई न्यूक्लियट हो सकते हैं, उसमें दो न्यूक्लियस है। जैसे यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर प्रोटोजोम्स में आप पैरामीशियम की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मेगा न्यूक्लियस। इसी तरह से पोली न्यूक्लियेट सेल भी होते हैं जिसमें ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। जैसा फंजाई में मल्टी न्यूक्लियेट मैस होता है साइटोप्लाज्म का, वहां न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। तो इसमें वेरिएशन है इसके नंबर्स की कि या तो एक है, दो या ज्यादा भी हो सकते हैं। अपेरेंस कहां होती है इसकी? देखिए सेल की दो तरह की स्टेट है। जब हम न्यूक्लियस सेल में स्टडी करते हैं और हमें वो अपेरेंटली नजर आ रहा है, इसका मतलब है सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर है। और जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो प्रोफेज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस को जब हमने देखना है तो नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर उसको स्टडी करना है। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से कंपोनेंट है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर एक इनवेलप है, न्यूक्लियर इनवेलप उसको कहेंगे। न्यूक्लियर पोर्स है जिसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वराइटी ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस एक रीजन है न्यूक्लियस के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। क्रोमाटिन मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, फिर साथ साथ हम उसकी फंक्शनिंग की भी बात करेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है न्यूक्लियस की, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। अब इसमें आप देखेंगे ये सबसे बाहर की तरफ जो इनवेलप नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर इनवेलप, एंड दिस न्यूक्लियर इनवेलप इज डबल मेम्ब्रेनस। तो जैसा हम इससे पहले डिफरेंशिएट करते रहे कि कुछ ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेनस थी, कुछ डबल मेम्ब्रेनस थी, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के साथ न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। इसमें दो मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन जो है इंटरवल्स में एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं, और फ्यूज करने की वजह से यहां पर पोर्स डिवेलप होते हैं, और इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे। तो एक तो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं और दोनों मेम्ब्रेन इंटरवल्स में फ्यूज करके पोर्स डिवेलप करती हैं, विच आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर है इसको हम ओवरऑल कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये किससे बना हुआ है? दिस इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन न्यूक्लियोपोरिन। अपने नाम याद रखना है प्रोटीन्स का, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन होती है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। एंड दिस इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो न्यूक्लियस के अंदर हमें मैट्रिक्स मिल रहा है व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, और अगर न्यूक्लियस से बाहर देखें तो हमें साइटोप्लाज्म मिलता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान जितनी भी एक्सचेंज होनी है वो न्यूक्लियर पोर से होनी है। अब सवाल यहां पर ये है, या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं
या वो कौन से मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, अभी हम इस पर बात करें, इसके अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। तो जब आरएनए डीएनए से बन जाएगा तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा थ्रू दिस पोर इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाके वो राइबोसोम के साथ अटैच होगा, वहां प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। अब बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि इस फिनोमेना में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसा कि डीएनए पॉलीमरेज़, आरएनए पॉलीमरेज़। अब वो सारे एंजाइम क्योंकि प्रोटीन है और वो प्रोटीन सेंसाइज हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म से वो प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाती है। तो इसका मतलब है यहां से बाहर क्या आ रहा है, आरएनए सेंसाइज होके बाहर आ रहे हैं, और यहां अंदर की तरफ क्या जा रहा है, यहां बहुत सारी प्रोटीन इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो आगे भी हम इसके जो फंक्शन है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो मटेरियल्स की एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, इसकी कंपोजिशन में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम्स हैं यहां पर, जैसे कि हम बात की डीएनए आरएनए पॉलीमरेज़, ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज होते हैं, पॉलीमरेज़ 1, 2, 3। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज़ यूज होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी इसका पार्ट होते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर, और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम है, क्योंकि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है तो न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती है स्ट्रैंड्स पर, तो वो न्यूक्लियोटाइड कहां से डीएनए के स्ट्रैंड्स पिक करते हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म पिक करते हैं, या डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए बनाने के लिए भी न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। वी नो दैट द न्यूक्लियोटाइड्स आर द सब यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए बनाने के लिए भी चाहिए, आरएनए बनाने के लिए भी चाहिए। तो वो रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें मेटल्स हैं और इसमें प्रोटीन, एक तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की हम बात की, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। जब डिटेल में हम क्रोमोसोम डीएनए स्टडी करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रही है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें फर्दर अगर हम देखें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, इसके साथ जो है वो नेटवर्क ऑफ चैनल्स और ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होता है, जैसे कि यहां पर हमने कुछ शो किए, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनके साथ राइबोसोम अटैच हैं, जिस वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं और यहां आपको राइबोसोम भी नजर आ रहे हैं। अब राइबोसोम की एक तो अटैचमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ नजर आ रही है और साथ राइबोसोम आउटर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की उसके साथ भी अटैच होते हैं, तो ये पॉइंट आपने यहां पर लर्न करना है। इसके अलावा अनदर कंपोनेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाय कहते हैं। अब न्यूक्लियोलस का अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसा मैंने कहा कि चैप्टर में हमने कैटेगराइज किया है मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेल्स को। राइबोसोम को भी हमने देखा था वो नॉन मेम्ब्रेनस है, फिर हमने सेंट्रियोल को स्टडी किया था वो नॉन मेम्ब्रेनस है, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी इनमें बाहर की तरफ हमने कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई। लेकिन इसमें दो रीजन होते हैं, ये जो आपको रेड पार्ट के अंदर ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, दिस इज द आउटर रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया आउटर ग्रेनुलर रीजन या पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन भी कह सकते हैं। और जो इसके सेंटर के अंदर ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये है सेंट्रल फिब्रिल रीजन। तो याद रखना है मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियोलस में, लेकिन रीजन है, दो आउटर और पेरिफेरल इज ग्रेनुलर और सेंट्रल और मिडल इज द फिब्रिल रीजन। अब इनका फंक्शन क्या है, अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखें न्यूक्लियोलस का, दिस इज ए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, यानी यहां से राइबोसोम बनते हैं और ये दोनों रीजन इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरह से, अगर हम ये देखें सेंट्रल रीजन को, सेंट्रल रीजन में दो चीजें होती हैं मेनली, एक आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और एक आरडीएनए राइबोसोमल डीएनए, जहां से वो आरआरएनए बन रहा है। अब जो आउटर रीजन है दैट एक्ट एज ए प्रीकर्सर फॉर द राइबोसोमल सब यूनिट, यहां पर वो चीजें बनती हैं जिन्होंने राइबोसोम बनाने हैं और जो आउटर रीजन है वो राइबोसोमल सब यूनिट्स की असेंबलिंग कर रहा है। सो ओवरऑल
न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम. तो ये आपने इसका फंक्शन जो है वो याद रखना है. अब इसके बाद ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं यहां कुछ धागे से बनाए हुए, ये जो फाइबर है इनको क्रोमाटिन कहते हैं, इसको क्रोमाटिन मटेरियल भी कहते हैं. अभी हमें ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं करता, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होती है तो इसमें जो चेंजेस आती हैं, एक तो हमने इससे पहले चेंज की बात की कि न्यूक्लियर जो इनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और साथ ही ये जो क्रोमाटिन मटीरियल है दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द क्रोमोसोम, ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बना लेगा. तो हमें इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो इसको क्रोमाटिन कहेंगे, लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसी स्ट्रक्चर को, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा उसको हम क्रोमोसोम कहेंगे. इसके स्ट्रक्चर को अभी हम स्टडी कर रहे हैं. तो क्रोमोसोम के अंदर हमें जो पार्ट नजर आ रहे हैं, एक ये सेंट्रल पार्ट है जिसके साथ इसके आर्म्स अटैच है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया कह रहे हैं. और उसके बाद इसके आपको ऊपर आर्म्स नजर आ रहे हैं, ये ऊपर वाले थोड़े शॉर्ट आर्म्स होते हैं, नीचे वाले जो हम लॉन्गर आर्म है, और इन दोनों के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के हैं, इस वजह से इनके लिए हम वर्ड सिस्टर क्रोमाटिड्स यूज कर रहे हैं. अब यहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पर है सेंट्रोमेयर के अंदर, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं. दूसरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पर होती है इनके जो आर्म्स के एंड की तरफ, इसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं. सो दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. अब इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो ज्यादा डिटेल है वो हम क्रोमोसोम और डीएनए में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो स्टडी करना है. अब इसमें ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर डीएनए होता है, यानी डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम. ये जो आपको रेड कलर का ऐसे लाइन सी नजर आ रही है, ये एक धागा है जो कि डीएनए है इन आर्म्स के अंदर, एंड दैट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ दिस क्रोमोसोम. और इसके साथ कुछ स्टोन प्रोटीन भी अटैच होती है, और उसमें एक स्पेसिफिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसको डिटेल में हम आगे क्रोमोसोम डीएनए वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अब ये जो वर्ड है यहां तो हमने वर्ड यूज किया सेंट्रोमियर, लेकिन जो इसकी टिप्स होती हैं इसको हम कहते हैं टीलोमियर्स. और ये जो टिप्स का काम ये होता है कि किसी और क्रोमोसोम के साथ जो अटैचमेंट है उससे बचाने के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करती है. अब जितना भी डीएनए होता है इस क्रोमोसोम के अंदर उसको हम यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहां पे एक टर्म यूज की है हेटरोक्रोमाटिन. अब कौन कौन सा हेटरोक्रोमाटिन है, लाइक यहां से लेके जो यहां तक का पार्ट है, और फिर यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसी तरह ऊपर की तरफ ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं हेटरोक्रोमाटिन. और इसके दरमियान में जो पार्ट है ये वाला, या जो ये हमने मेंशन किया हुआ ये वाला, इधर से भी और इधर से भी, दिस पार्ट इज कॉल्ड द यूक्रोमाटिन. अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये जो हेटरोक्रोमाटिन होता है ये ऐसा पार्ट है डीएनए का दैट फाउंड ऑलवेज इन कंडेंस्ड फॉर्म, और वो ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता, आगे इंफॉर्मेशन जो है वो पास्ड ऑन नहीं करता. या आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट नहीं करते और वो इसी फॉर्म में पड़ा रहता है. लेकिन जो यूक्रोमाटिन का पार्ट है ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस्ड होता है, और उसके बाद दैट फाउंड इन द ओपन कॉन्फ़िगरेशन, और ये एक्सप्रेस होगा यानी ट्रांसक्राइब्ड होगा, इंफॉर्मेशन को आगे पास कर सकता है. लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये एक्सप्रेस नहीं होगा. या हम इसके लिए दो तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये जो पार्ट होता है नॉन कोडिंग है, ये आगे फर्दर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है ये एक्सप्रेस होकर इंफॉर्मेशन को आगे आरएनए को देगा और उससे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होना शुरू हो जाएगी. इसके अलावा ये जो टिप्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये भी हेटरोक्रोमाटिन है, दे नेवर एक्सप्रेस्ड. ये वाला पार्ट जिसमें सेंट्रोमियर आ जाएगा ये भी हेटरोक्रोमाटिन है, ये भी एक्सप्रेस नहीं होंगे, और इधर भी टिप. लेकिन दरमियान में जो छोटा सा पार्ट है इसको हम यूक्रोमाटिन कहते हैं, ये एक्सप्रेस्ड होगा और इंफॉर्मेशन जो है उनको पास करेगा. अब इसमें एक और वर्ड यूज होता है जैसा कि टेलोमर है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर, इसको जंक डीएनए भी कहते हैं. जंक डीएनए या वर्ड इसके लिए सैटेलाइट डीएनए भी यूज होता है. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है कि टीलोमर्स के अंदर जो जंक डीएनए है सैटेलाइट डीएनए साफ जरा वो भी हेटरोक्रोमाटिन के पार्ट है, एक्सप्रेस नहीं होगा, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जंक फॉर्म है डीएनए. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस.
इसका स्ट्रक्चर की हमने बात की और साथ साथ जो डिफरेंट कंपोनेंट के फंक्शन थे उनको हमने स्टडी किया।